अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? राधा, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे तुलसी चिची ने हमें पुकारा? ये पसंद नहीं आया क्या पराठा? नहीं मोहन जी, ऐसा नहीं है। मोहन जी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। शालू, मैंने तुम्हारे लिए पराठा भी बनाया, तुम डरा क्यों रही हो? अरे मोहन जी, हम आपको डरा नहीं रहे, हम सच कह रहे हैं। हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें पुकारा। ओए राधा, आओ। तुलसी जी यही होंगी गुनगुन के साथ। नहीं, मतलब हम देख रहे थे किसने कहां से पुकारा। राधा, इतने बड़े हादसे से बाहर निकल कर आई हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम चलो ना, चलकर आराम कर लो। मुझे बस 2 मिनट। कोई 2 मिनट नहीं, चलो। बस तुलसी चिची ठीक हो। राधा, 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 मैं ठीक नहीं, ठीक नहीं हूँ। कर रही हो, जल्दी करो ना। बिटिया बिटिया, हो गया, अब हमसे ना हो पाएगा। ये ना, ये बैठने का टाइम नहीं है, इसलिए उठिए और खो दिए, क्योंकि अगर ये सबूत सबके सामने आ गया ना, तो मोहन हमें यहीं पे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। हाँ, चलिए उठिए। क्या तुम तो इस उम्र में निर्दोष विधवा से इतने काम करवा रही है? मिल गई मम्मा, थैंक गॉड मिल गई।
अब हम मोहन जी को और परेशान नहीं कर सकते। कल मोहन जी के दफ्तर का पहला दिन भी है। दिन पहले हम ही ने तुम दोनों को इस डेरे में आने से मना किया था और आज हम ही ने तुम दोनों को यहां बुलाया है। तुलसी की मौत का सबूत लाकर तुमने एक बहुत बड़ा मौका दिया है हमें, मौका दिया है उस भूतनी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। इस सबूत के सहारे मैं उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी और उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए भेज दूंगी। हे प्रभु, इसका मतलब ये सबूत की वजह से भूतनी इतने सालों तक यहाँ पर टिकी हुई थी। अगर बिटिया हमें पहले से पता होता तो ये सबूत को पहले ही ठिकाने लगा देते ना, हमारी पिटाई तो कम हो जाती। तुम दोनों की परेशानियों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। हम उस भूतनी को इतनी तकलीफ देंगे कि उसे अपनी भूतनी होने पर भी पछतावा होगा। बस 5 दिन, अगले 5 दिनों में तुम दोनों का उस तुलसी से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।